तो मैं आपको 60,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है जी, ले आओ। ये मैं पांडे को सैलरी दे रहा हूँ, लो पांडे। जी सर, मुबारक हो आपको। खुश? एकदम खुश। फुल फुल खुश? फुल फुल खुश। खुश? एकदम खुश। कितने खुश? बहुत ज्यादा खुश। अब इन पैसों का तुम क्या करोगे? इन पैसों का, वाह, ये पैसे का क्या करेंगे? पैसे ही तेरे पैसे। अब यहाँ जाके फुल एंजॉय करेंगे, आराम से घर पे जाएंगे, बालाजी जाएंगे, घूमेंगे, फिर वापसी ऑफिस में आएंगे। ये गड्डी भर भर के तो मिल रही है, ले लो जिसको चाहिए, आप ले जाओ। नमस्कार जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं न्यू लाइफ सर्जिकल वर्क में मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। हमारा सर्जिकल का काम है। पहले मैं रंजीत नगर में काकू प्रॉपर्टी पे काम करता था, उसके बाद में मेरी शादी हुई, फिर मैंने वो काम प्रॉपर्टी का छोड़ के फिर मैं सुमित सर के पास काम करने लगा हूँ। मेरा सर्जरी का काम है, एक्सपोर्ट का काम होता है सारा। मुझे बालाजी जाना था तो मैं सर से छुट्टी लेने के लिए आया, तो सर बोले कि आ जाओ घर पर बात कर लेते हैं, तो मैं सर के पास आया हूँ। आज हमारा सैलरी का सैलरी डे है, वैसे हमारी सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है, बिना मांगे मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को बोले कि मुझे बालाजी जाना है तो मैं थोड़ा टाइम लगा के लूँ, क्योंकि पैसे मिलते हैं मेरे हाथ से खर्च हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं पैसे बोला कि मैं थोड़ी सैलरी लेट लूँगा, क्योंकि ताकि मेरे हाथ खर्च ना हो, फिर पैसे मैं अपना अपने हिसाब से खर्च करूँ। मेरे लड़के का मुंडन है, जहान है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो पहले मुझे बालाजी जाना है, फिर बालाजी से फिर दिल्ली वापसी है, फिर दिल्ली से फिर मुझे प्रयागराज घर पे जाना है। वहाँ पे फंक्शन है, पापा मम्मी वगैरह बुलाए हैं, फंक्शन है मेरे जान का, मतलब मेरे बेटे का मुंडन होने के बाद में वहाँ पे फंक्शन है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। मैं 5 साल से सर के पास काम कर रहा हूँ, और सर बहुत अच्छे आदमी है, मेरा घर जैसा, शुरू से घर पे आना, घर पे जाना, घर जैसा माहौल रहता है पूरा, बच्चे की तरह रखते हैं। मैं हूँ, और ये मेरे साथ में राम है, राम आए हैं। राम, आप भी कुछ बोलिए अपने बारे में। मेरा नाम श्रीराम है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और मैं पटेल नगर में काम करता हूँ, न्यू लाइफ सर्जिकल वर्क में काम करता हूँ, और मैं पहले छतरपुर में काम करता था, और आज सैलरी की टाइम है, और मैं सर सुमित सर के पास लेने आया हूँ। वैसे तो जल्दी मिल जाते हैं 1 तारीख तक, वैसे जितना दिन काम किया हूँ उतना दिन के पैसे लेने आया हूँ। मैं 10,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें से पूरे महीना अभी नहीं लगे हैं, मुश्किल से 17 दिन काम किया हूँ, अभी नया पटेल नगर में काम करता हूँ, और हमारे सर जी सही हैं, हमारे सर के रोल ठीक है, यहाँ पे ऑफिस का रोल ठीक है, घर का रोल ठीक है, और हमारे सर बहुत अच्छे हैं। अच्छी मेरी सैलरी, हर साल मेरी सैलरी बढ़ती रहती है, मैं काम करता हूँ तो शुरू से ही हर साल मेरी सैलरी सर बढ़ाते रहते हैं, बिना कहे सैलरी मेरी बढ़ती जाती है, तो अभी मेरी सैलरी से मैं 30,000 रुपये हो गई है, और मैं 20,000 रुपये से लगा पड़ा था, तो सैलरी सर बिना कहे हर साल साल होते ही अपने आप लेटर भेजते हैं कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई है। अब मेरे ऑफिस में कोई भी काम करता है बिना कहे उसकी सैलरी बढ़ जाती है। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिक सर बढ़ाते रहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस समय मेरी सैलरी 30,000 रुपये हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ, और मन लगा के काम करता हूँ, और बहुत मज़ा आता है मुझे काम करने में, और सर तो मेरे बहुत अच्छे हैं, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, और तो आप सबको पता ही होगा, देख ही रहे हो आप सब, मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। और मेरा टाइमिंग है, सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम को 8 बजे जाता हूँ, संडे छुट्टी होती है, और बाकी मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कुछ भी बात होती है मैं सर से ऑटोमेटिक बाकी बोल देता हूँ, सब मेरा हल हो जाता है। वैसे तो मेरा कोई टाइमिंग नहीं है, सर का जब भी फ़ोन आ जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे दिन हो रात हो, जब भी फ़ोन गया हाँ ये काम है, मैं तुरंत आ जाता हूँ, मेरा शुरू से यही है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे संडे छुट्टी होती है हमारी स्टाफ की, लेकिन मुझे कोई संडे मंडे नहीं चाहिए होता है, छुट्टी मैं भी करता हूँ, लेकिन सर का फ़ोन जाते ही मैं सीधा सर के पास आ जाता हूँ कि हाँ जी सर बताइए क्या काम है, क्योंकि मेरा घर जैसा माहौल है, तो मुझे छुट्टी और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है, और काम मेरा बहुत अच्छा चलता है, मैं मन लगा के काम करता हूँ, और सर भी मुझे बेटे की तरह रखते हैं, जैसे अपने घर में बेटे बच्चे की तरह रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही माहौल है, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ आके, एकदम बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, और यही मैं अभी हमारे नए स्टाफ है राम, मैं इनसे भी यही कहता हूँ कि आप मन लगा के काम करो, बिल्कुल घर जैसा माहौल रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ, और राम भी इनको भी तसल्ली हो जाती है, ये भी मन लगा के काम करते हैं मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करते हैं, और मैं जानता हूँ कि राम आगे भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ राम, और हम लोग सैलरी के लिए आए हुए हैं यहाँ, तो सर अभी हमारे अंदर हैं, हमने सबको मैसेज भिजवाया, सर अभी आ रहे हैं, फिर हम लोगों को पेमेंट करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेके हम लोग जाएंगे ऑफिस में, फिर उसके बाद हमने अपना जो आगे का कार्यक्रम है, जो हमारा काम है, हम सब वो काम करेंगे अपना। आओ जी, आओ आओ पांडे जी, सिया राम क्या लाए हो? सर ये दिल भूख ले आए हैं, वो बैंक से पैसे निकाल के ले आए हैं। अच्छा, हाँ जी, पीछू आ गया थोड़ा, ये सारा हिसाब है? हाँ जी सर, जो ऑफिस में खर्चा हुआ। हाँ जी, ऑफिस में खर्चा होता है वो हमारा ये हिसाब है। पीछू सबको लियो, और ज्यादा हिला मत कैमरा, ज्यादा आगे और आ गया बेटा, इतनी दूर से नहीं, नहीं सबको ले रहा हूं। अच्छा, ज्यादा कैमरा हिला मत, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। आराम आराम से इधर कर, मेरी तरफ आराम से, एकदम आराम से, अब बांडे भैया के पास जा, एकदम आराम से, ऐसे ऐसे बनती है। अच्छा, तो ये सारा हिसाब है आपको जो मैंने पैसे डे बुक, ये हमारी डे बुक है, ये हमारी डे बुक है, हम इसमें बताओ जरा, ये हमारा डे बुक है, ये हमारा पर डे का खर्चा होता है, जो हमारे ऑफिस में स्टाफ है हम है, या हमारे ऑफिस में कुछ भी खर्चा होता है तो वो सर पैसे जमा करते हैं, और वो पैसे को हम यूज करते हैं। ऐसे कह सकते हो कि सर से पैसे लेता हूँ और खर्च मैं करता हूँ। ये डे बुक है, ऑफिस में कंपनी में जो भी खर्चा होता है, तो वो जैसे मैं एक अमाउंट मैं यहाँ भर देता हूँ कि कभी 3,000 डाल दिया, कभी 5,000 डाल दिया, कभी 10,000 डाल दिया, आने वाले खर्चों को देखकर, तो मैं इसमें पैसे भर देता हूँ, पांडे जी को दे देता हूँ, उसके बाद पांडे जो भी खर्चा होता है वो इसमें लिखते जाते हैं, और वो पैसे माइनस होते जाते हैं, फिर एंड में जब वो जो पैसा बचता है वो मैं वापस ले लेता हूँ, और अटेस्ट साइन करके दोबारा से पैसे भर देता हूँ। तो आज इनकी तनख्वाह का दिन है, और पांडे जी भी जा रहे हैं अपने गाँव, बच्चे का मुंडन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहान का मुंडन है, तो मैं इनको, मैं सैलरी की बात करता हूँ। अच्छा पांडे स्लिप लाओ, सैलरी स्लिप खींचो, इधर आओ, जैसे इसमें मैंने ये 3,062 रुपए डाले, मतलब इसी तरीके से मैं इसमें पैसे भर देता हूँ। इससे पहले 5 पड़े थे, फिर 5 लिया, टोटल 10,000 पड़े। हाँ ऐसे ही, और ये सारा फिर एंड में मैं इनको, ये मैंने 10,000 का बनाया पूरा टोटल, फिर सर ने अटेस्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से हिसाब होता है, जैसे मैंने 3,062 भर दिए, फिर ये सारा खर्चा हुआ, ये सब खर्चा हुआ, ऐसे मैंने यहाँ पर 5,000 भरे, फिर वो दिखाओ, और पहले का दिखाओ, ये जैसे खर्चे हुए, ये स्लिप लगी, उसको सामान आया घर के लिए, ऑफिस के लिए, फिर जैसे ये 3,041 ऐसे भर दिए, ये 3,000 भर दिए, और अभी मैंने शायद कल परसों में 10,000 भी दिए थे आपको। जी 10,000 आपने दिए थे ना, ये 5 लिए, 5 ये मैंने, 5 आपने डिपॉजिट किया था, 5 मैंने कैश ले गया, तो 10,000। अब ये मैंने अटेस्ट कर दिया। हाँ जी, मतलब ये उसका हिसाब हो गया। हाँ जी, ये 10,000 हुआ, ये 10,000 का हिसाब, ये 10,000। अच्छा, ये 10,000 का हिसाब, ये टोटल, ये 31 तारीख को। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद दोबारा मैंने कितने पैसे भरे? आपने मुझे 3,062 दिए। अच्छा, फिर मैंने वो 3,062 का भी हिसाब दे दिया, उसके बाद फिर आपने मुझे 3,000 रुपए जमा किए, क्योंकि मुझे दो दिन बाद जाना है, तो अभी उसमें से कुछ खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन 3,000 रुपए मैंने जमा कर रखे हैं। तो ये 3,000 रुपए आपको कंपनी से मिल गए? हाँ जी, 3,000 कंपनी से मुझे मिल गए हैं, ये मेरी जेब में है। और ये क्या लेकर आए आप? ये तो पैसे ले आया था, बैंक से पैसे निकालने गया था मैं। अच्छा, आपकी उसकी तनख्वाह की? हाँ जी, ये मेरी सैलरी है, देखो पैसे मैंने निकाल के ले आए। ये सियाराम की सैलरी है, 13,5 क्या लिखा है जिसे, वो तारीख की, सियाराम जितने तारीख से आए हैं उतने से लेके 30 तक का भी उनका बनाया है। 30 तारीख को ज्वाइन करा था आपने? 13 को ज्वाइन किया था। 13 तारीख को ज्वाइन करा था? हाँ जी, 13 से 30 तक का बना दिया है। और ये 13 से आपने 30 तक का बना दिया? हाँ जी। तो ये है सियाराम की तनख्वाह, आपकी तनख्वाह 10,000 है। हाँ जी। और ये पांडे 333 क्या है? पर डे। अच्छा, तो ये पर डे लिखो ना, मेरे को तो पांडे लिख, ऐसा लग रहा है पांडे लिखा है। पांडे लिखा हुआ है, पर डे लिखा हुआ है। अच्छा, तो
मतलब 333 रुपए दिहाड़ी है एक दिन का। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 16 दिन आए हैं। हाँ जी। एक दिन एब्सेंट है। हाँ जी। और एडवांस इन्होंने 1200 रुपए लिया है। हाँ जी। तो इनकी सैलरी टोटल बनती है 3333, उसमें से 1200 एडवांस गया। हाँ जी। तो 4133। हाँ जी, ठीक कह रहा हूँ। हाँ जी सर। तो लाल पेन दो। ठीक है पांडे, ये 4133 सियाराम को दे दो। और डेट क्या है? अप्रूव दे दो सियाराम को सैलरी। ये हमारी सैलरी है, ये हम इसमें से हम सैलरी लेंगे। तो ये आप बैंक से लेकर आ गए? हाँ जी, बैंक से लेकर आ गए। तो उन्होंने मेरे को फोन तो किया नहीं? हाँ, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। मैं चाहूँ 5 लाख 10 लाख रुपए जब भी जाता हूँ, सर ने साइन करके दे दिया, बैंक वाले मुझे पैसे दे देते हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से पैसे निकालता हूँ ना, तो मुझे फोन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। कभी कुछ भी ट्रांसफर लेना हो, पैसे निकालने हो, मुझे आराम से बैंक वाले से इतनी फेस की पहचान हो गई है कि बिना सर को फोन किए मुझे पैसे दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फोन करूंगा तब भी हाँ है और फोन नहीं करूंगा तब भी हाँ है, तो मुझे पैसे आराम से बैंक वाले दे देते हैं। कभी हाँ कभी ना। कभी हाँ कभी ना, लेकिन ना तो होता ही नहीं है। हाँ, हाँ ही होता है। चलो ठीक है, लाओ मैं अब आपको आपकी सैलरी स्लिप दिखाओ। हाँ जी, सैलरी स्लिप ऐसी। पांडे आप इधर आओ जरा मेरे। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठो, दिखाओ। ये सियाराम की, ये सियाराम आपकी सैलरी स्लिप है। जी सर। आपने कितने दिन काम किया? मैंने 17 दिन काम किया। ऐसे पकड़ो, मुझे दिखाओ, इधर दिखाओ, मेरी तरफ सैलरी भी दिखाओ। हाँ ये दिखाओ। अच्छा, ये सियाराम की सैलरी है, दिखाओ जरा। पांडे इसको ऐसे पकड़ के रखो। हाँ जी। अब ये हो गया, कितनी सैलरी कितनी आपकी? सर 30,000 रुपये। और 30,000 आप एडवांस मांग रहे हो? हाँ जी। छुट्टी आपकी कोई नहीं है? कोई छुट्टी नहीं है। तो मैं आपको 60,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है जी, अप्रूव्ड। डेट क्या है आज? 7। ठीक है पांडे, मैं आपको सैलरी दे देता हूँ। आप बैंक, मेरे पास इतना कैश नहीं था, बैंक से आप निकाल के ले आए ना। हाँ जी, ले आओ। ये मैं पांडे को सैलरी दे रहा हूँ। लो पांडे। जी सर, मुबारक हो आपको। थैंक यू जी। खुश? एकदम खुश। फुल फुल खुश? फुल फुल खुश। दोबारा। खुश? एकदम खुश। कितने खुश? बहुत ज्यादा खुश। अब इन पैसों का तुम क्या करोगे? इन पैसों का, वाह, ये पैसे का क्या करेंगे? पैसे ही पैसे। अब यहाँ से जाके फुल एंजॉय करेंगे, आराम से घर पे जाएंगे, बालाजी जाएंगे, घूमेंगे, फिर वापसी ऑफिस में आएंगे। अच्छा, बालाजी मुंडन कराने जाना है ना? हाँ जी सर, बालाजी मुंडन कराने। अच्छा चलो, वेरी गुड बेटा, अच्छे से मुंडन कराना, बच्चे के सारे जितने भी विधि विधान है वो सारे उसके करवा देना, जो आपकी परंपराएं हैं। अच्छा अब लाओ इनके, इनके सियाराम की, सियाराम की सैलरी आप यहाँ से दीजिए। कितनी है, कितनी बनी थी? 45 कुछ बना था। गिनो पांडे। ध्यान से लेके जाना, ये ना कोई चोर चोर चक्का आके झपट्टा मार ले। नहीं, मैं इसको घर पे रख के मैं बाला से घूम के आऊंगा तो जाऊंगा। सिर्फ दिखाना। 4,000 कुल्ले कराने पड़ेंगे। अब आपने इनको कितने दिए? 4,000 सर। देने कितने हैं? 4,135। किच्चू तुल 4,135। तो 133 और दो। डे बुक से दे देता हूँ। डे बुक से दे दो, बाकी आपके बच गए। ये बच गए, ठीक है।
हाँ सियाराम, आपको कितने टाइम हो गया बेटा यहाँ काम करते हुए? मुझे हो गए 1 महीना लगने वाले हैं। ये लड़का बहुत दूर से आता है, मेरा ऑफिस पटेल नगर में है और ये आता है छतरपुर से। हाँ। बहुत दूर से आता हूँ मैं, मेहनत करना चाहता हूँ मैं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि सर मेरे को सपोर्ट करे। मैं सीखना चाहता हूँ काम और मेरी सैलरी और भी बढ़े। आपको सपोर्ट भी करेंगे, सैलरी भी बढ़ेगी, पर आप एक बढ़िया अच्छे बच्चे बन के दिखाना जी सर, हर चीज़ें हो जाएंगी। कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि आज के पतावे आज नहीं चलते। पहले जब पतावे क्या होता है, जैसे भैंस पहले खाना खाएगी, फिर वो गोबर निकालेगी, फिर हम उसको उठा के सुखाने डालेंगे, फिर हम उसको जलाएंगे, फिर हम खाना खुद खाएंगे। तो आज के तो नहीं जले ना, इतना टाइम लगा। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है बेटा, और वो अगर तुम टिक के काम करोगे तो मैं ज़िंदगी तुम्हारी बना दूंगा, ये मेरा वादा है। और अच्छे बच्चे बन के दिखाना, मांग के ले लेना, लेकिन कोई आटे में नमक वाला काम मत करना, ठीक है? आटे में नमक मतलब बहुत हल्का भी कोई काम मत करना जो तुम्हें शोभा ना दे, मांग के ले लेना। पर ऐसा कोई का आज पांडे को 5 साल हो गए हैं, पांडे कभी भी फाउल में नहीं आया, कभी भी। मैंने कुछ चीज़ें जानबूझ के भी करी इसके साथ कि ये किसी तरह पकड़ा जाए, ये आज तक एकदम क्लीन है। ये तो क्या करें, जरूरत है। हाँ। ये गड्डी भर भर के तो मिल रही है, ले लो जिसको चाहिए ले जाओ। बेबाक बोलता है ये, बेबाक मेरी तरह। अरे वो तो ठीक है, चलो ये सारी सैलरी सब हो गई, चाय वाय हो गई। ये बताओ तीसरा बंदा तो और 3 लड़के कहाँ हैं? सर वो अभी जो आया हुआ है। हाँ। तो उसकी पैकिंग में लगे पड़े हैं। कहाँ का ऑर्डर? सीरिया। अच्छा ठीक है, तो तीनों लड़के पैकिंग कर रहे हैं। हाँ जी, वो मेक्सिको का भी तो ऑर्डर है, सीरिया का, मेक्सिको का, दोनों कंट्री का ऑर्डर है। ऐसा है, हमारे ना पैकिंग के 2 स्टेज होते हैं, एक फैक्ट्री में पैकिंग होके आती है और फिर हमारे एक ऑफिस। अरे ये जो मेक्सिको का जो माल आया था, तुम सिया तुमने क्या चेक करा, वो ठीक नहीं है पैकिंग? पैकिंग ठीक नहीं है, सही से उसको दोबारा से करवाना है। तो आप एक काम करो, सिया को भेजो फैक्ट्री। ठीक है जी। सिया को फैक्ट्री भेजो उस माल के साथ, ठीक है? माल को गाड़ी में लोड कराओ, ड्राइवर नीचे है ही है, तुम्हें पता ही है। और इनको आपको ये नया आया सिया, इसको ड्राइवर से मिलवा दिया? तो उसको बोलना जगदीश को, जगदीश कह रहा हूँ, जगराम नाम है उसका ऑफिस का ना, जगराम को बोलना कि बांटे तुम। ठीक है, गाड़ी ड्राइवर को बोलना गाड़ी में सामान ले जाके सीधा इसको साथ बिठा लेगा और सीधा फैक्ट्री लेके जाएगा। वहाँ जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है वहाँ पर पैकिंग का? वहाँ सर रमेश है। रमेश जो पुराना वाला रमेश था वो तो चला गया था, जो नया लड़का है रमेश वो वहाँ का पैकिंग का। उस रमेश को बोलो सर गुस्सा कर रहे हैं, इसको पैकिंग को दोबारा करो, क्या उसमें क्या दिक्कत है? उसमें स्टिकर भी नहीं लगाया है। हाँ तो उसको बोलो स्टिकर दोबारा लगा के दो और एक वीडियो बना के सर को भेजो, क्योंकि क्वालिटी चेक होगी उसके बाद ही हम माल भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे। तुम इसको फैक्ट्री भेजो जगराम के साथ, और तुम फैक्ट्री जाओ, वहाँ जाके मेरी क्या नाम है रमेश से मेरी बात कराओ, डायरेक्ट मेरी बात कराओ। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ फिर। और क्या कहते हैं, तुम जाओ उसको वो दिखा के लाओ। ये गड्डी भर भर के तो मिल रही है, ले लो जिसको चाहिए ले जाओ।